सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इतिहास भी बदल रहा है, इतिहास भी बदल रहा है, माहौल भी बदल रहा है। और एडवोकेट हुआ, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की हुआ, सोच ले इस देश का माहौल भी बदला है। जब आपने साबित कर दिया और तमाचा है इन लोगों के मुंह पर, इस सरकार के मुंह पर, कि आप लोगों ने इतनी पाबंदियों के बाद भी इस सरकार को और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये आह्वान भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उस तुगलक फरमान के खिलाफ दिया, और इस सरकार ने और उन लोगों ने जो डरते हैं भीम आर्मी की ताकत से, आजाद समाज पार्टी की ताकत से, इसके लिए जिस नेता को हम आदर्श मानते हैं हमें उनकी बातों को मानना होगा। आप लोगों ने साबित कर दिया सब साथियों के, एक तो भीम आर्मी की पूरे देश में प्रचलित है कि जितने लोग यहाँ इस इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हैं, इससे ज्यादा उतने लोग बाहर हैं। जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद तब होगा जब ये युवा साथी अनुशासन का परिचय देंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहेब, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, और भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी काशी राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपने आदर्श नेता मानते हुए जय भीम नीला सलाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय चंद्र सिंह जी को भी जय भीम नीला सलाम। और मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, अलग अलग प्रदेश से आए सभी प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी साथियों, ये ताकत आप लोगों ने आज पहली बार नहीं दिखाई है। मुझे गर्व होता है आप सबकी एकता पर, कि आप सब लोगों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के एक आह्वान पर इस दिल्ली को एक बार फिर से नीला करने का काम किया साथियों। लेकिन मुझे दुख भी है कि आप लोग अनुशासन को नहीं मान रहे हैं, आप लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आपके नेता यहां बैठे हैं, जिसको सुनने आप आए हैं वो आपके सामने है, लेकिन आप लगातार उनको इग्नोर करके अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। साथियों, बंगाल प्रदेश से जो लोग आए हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं, तमिलनाडु से जो लोग आए हैं तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष उनका भी शुक्रगुजार करता हूं, और बिहार के जितने लोग हैं वो जहां जहां खड़े हैं बैठे हैं, कृपया एक बार हाथ उठाए बिहार के लोग, बिहार के साथी जहां जहां खड़े हैं बैठे हैं वो हाथ उठाए, और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान और आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई जोहर आजाद जी और तमाम देश से आए सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम नीला सलाम। चाहे उत्तर प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, तमाम भिन्न भिन्न राज्यों से आए सभी प्रदेश अध्यक्षों का, सभी कार्यकर्ताओं का आभार। साथियों, आज ये आह्वान भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उस तुगलक फरमान के खिलाफ दिया, और इस सरकार ने और उन लोगों ने जो डरते हैं भीम आर्मी की ताकत से, आजाद समाज पार्टी की ताकत से, और जिन्होंने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, जिन्होंने इस आंदोलन को न होने के लिए तमाम षड्यंत्रों से तमाम भ्रांतियां फैलाई, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया सब साथियों के, एक तो भीम आर्मी की पूरे देश में प्रचलित है और आपको 2027 में कोई रोक नहीं सकता साथियों। लेकिन इसके लिए हमें अनुशासित होना पड़ेगा, इसके लिए
किस नेता को आदर्श मानते हैं, हमें उनकी बातों को मानना होगा। लेकिन साथियों, मुझे अच्छा लगा कि जितने लोग यहाँ इस इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हैं, इससे ज्यादा उतने लोग बाहर हैं। आपने साबित कर दिया और तमाचा है उन लोगों के मुंह पर, इस सरकार के मुंह पर, कि आप लोगों ने इतनी पाबंदियों के बाद भी इस सरकार को और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और अपने नेता को हाथों का मजबूत करने का काम किया। लेकिन अनशन रही है, यही मेरी निवेदन है, अपनी वाणी को एक श्रेणी के माध्यम से विराम देता हूं कि साथियों, इतिहास भी बदला है, इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है। और एडवोकेट हुआ, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की हुआ सोच ले, इस देश का माहौल भी बदला है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय भीम आर्मी, अजय सिंह, जिंदाबाद।